पापा मम्मी और हम आ चुके हैं अभी मीरा रोड और ये खड़े के कपड़े देख रही है कि कौन सा लूँ मैं कौन सा लूँ। और हम अभी जा रहे हैं इंदौर, तकवा के बाजू में है इंदौर। अभी हम वहाँ पर कपड़े बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, बहुत मस्त इंदौर है। यहाँ से ही हम लोग कपड़े लेने वाले हैं और यहाँ से ही लेकर सिलाने वाले हैं, तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को अंदर। तो यहाँ कुछ हम ये कपड़े की शॉप में, यहाँ पे आपको हर एक वैरायटी मिलेगी, मतलब यहाँ हर एक चीज मिलेगी जैसा तुम लोगों को चाहिए उससे भी अच्छा हर चीज। तो गाइस ये हमारा कपड़ा ले चुके हैं हम, ये उस तरफ है चप्पल। पूरे कपड़े ले चुके हैं, बस हम लोग को दुपट्टा लेने का है और फिर हम जाएंगे अभी इसको सिलाएंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं पप्पा जहाँ से शर्ट सिलाते ना उनसे पूछने जा रहे हैं कि मतलब एक कपड़ा है, तो दुकान वाले अंकल ने बोले हैं कि ये कपड़े को बहुत मतलब सोच ले समझ लो बहुत इस्तरी करके करना पड़ता, तो आप लोग पहले करके पूछ लो कि वो सील पाएगा तो वो कटो, क्योंकि हम लोग काट देंगे तो रिटर्न नहीं होगा। तो वही हम अभी कुछ नहीं जा रहे, आ चुके हैं हम लोग। लोग पी रहे हैं अभी यहाँ पर नींबू पानी, मम्मी भी मस्त पी रहे हैं। कितने का भाई? अस्सलाम वालेकुम, अभी हम लोग पी रहे हैं नींबू पानी और निगार इधर खड़ी भी है और अंकल जितना प्यास लगे ना उतना अंकल बना रहे हैं। अभी हम लोग हैं यहाँ, अरे मेरा हाथ है कहाँ। फिर से आ चुके हैं दादी के घर क्योंकि अप्पी को कुछ लेना, और कल जब मैंने स्कार्फ भी ली थी ना वो मेरे को छोटा गया था, तो शायद अगर नेहा ने एक्सचेंज कराई होगी तो अभी देखते लेंगे हम लोग। तो अभी मैं ट्रेन पे चढ़ चुकी हूँ लालच पारी की ट्रेन में, यहाँ पर ये बाहर बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, जाके बस सोने का समय हो रहा है, बट नहीं को जाके पारा पढ़ने का है। और अभी देखते हैं घर की हालत क्या है, बच्चों ने क्या करके रखा है, साफ भी करना पड़ेगा और इधर अब भी ये तो बिजी है बहुत। अल्लाह क्या हार्ड बहुत बिजी रहती है। ये गई थी बहुत सच सच की हालत है, इसकी हालत देख सकते हो। तो अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा जाती थी ना स्कूल से, आती थी ना तो मैं ऐसी रहती थी इधर ऐसा है ना ऊपर और आईडी इधर। तू कैसी आती थी? मैं अच्छे से इधर तो सब सही, नीचे का सबसे गंदा रहता था। साल की तैयारी का वक्त हो चुका है, आज है चौथा रोजा, रोजे भी इतनी जल्दी जल्दी जा रही, मालूम पड़ो और अम्मी से भी प्यार। अरे फिर गल्ला खड़ी फिर मेरा, ये अम्मी कैसे लगते हैं ना चिनोड़ दूँ, क्या कर दूँ मैं चिनोड़ दूँ, चल अरे छोटी सी कर दूँ तुमको काट के अंदर डाल दूँ। अरे सही चल करना, अरे क्या है पापी, अरे हट चाहिए तो जल्दी अरे अस्सलाम वालेकुम, मैं रिटर्न आ चुकी हूँ। तो गाइस सुबह में मैं उठ गई थी और जो मेरा डेली काम रहता है वो काम कर लिया, वो काम करके फिर मैंने जोहर की और जुमे की नमाज पढ़ के सो गई थी मैं, कि मैं लेट सोई थी पारा पढ़ के, तो नींद पूरी नहीं हो गई थी तो फिर मैं सो गई। फिर अभी उठी, असर की नमाज़ भी हो गई है, फिर अभी कुरान पढ़ने जा रही हूँ और अम्मी मेरे लिए बना रहे हैं जो कल मैं गुस्सा हो गई थी, रो आ रहा था मेरे को वो चीज़ पे, बना रही है मम्मी इसमें है लकड़ा, इसको इसके अंदर क्या है? आलू है, खट्टा आलू भी बना रहे हो? नहीं तो फिर खट्टा आलू उबाल ली थी ना मैंने, ये मम्मी ने लगड़ा, मम्मी तुम्हारा लगड़ा पिंक क्यों, वो नहीं पीला नहीं है, इसमें डाली है
फटाफट में खाना भी बना। इसमें हल्दी डाल दी थी, लाओ रगड़ा तो गरम होगा ना ये, वो ठंडा है। कांदे क्यों काटे? भजिया बना रहे हो? हो गया निकालो। इसमें इमली का पानी डाल देगा, मसाला डाल देगा, और मम्मी ने वहाँ पीसे भी है वो, मतलब इसके ऊपर जो डाल के खाते ना। उधर बैठी थी तुम, पर्चे खाली कर देते क्या? ये देखो, ये मेरी न्यूट्रेला की बोतल है, मम्मी जमा करते और डालते रहते। अभी मम्मी इसके लिए नीचे गए थे, कहाँ गए थे? स्टेशन। ये मतलब इसमें मम्मी ने क्या डाले मम्मी? धनिया, जीरा पाउडर, सूखी मिर्ची। धनिया पाउडर, जीरा, सूखी मिर्ची। धनिया पाउडर नहीं, सूखा जीरा, धनिया सूखा जीरा। तो मम्मी के पास धनिया नहीं था, है ना? सूखा धनिया लाई, जीरा, सूखी मिर्ची भून के उसको पीसी। अभी वो रगड़े में डालेगा मिल का पानी। तो अभी बाकी है एक घंटा, मैं जब तक कुरान पढ़ लेती हूँ, आधा मेरा बाकी है, वो पढ़ के हो जाएगा मेरा। फिर स्टार्टिंग करूँगी इफ्तारी के बाद से नवा पढ़ने के लिए। तो गाइस हम लोग ना इधर क्या बोलते हैं, धोबी घाट में रहते हैं। अभी हम लोग तो ऊंचा क्यों हो रही है था? मैं ऊंचा कहाँ हुई, तुम इतने से ही हो मेरे सामने। तो अभी मैं जा रही हूँ जोहा के पास, और जोहा शायद से कपड़े भी लेने वाली है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और मेरी नमाज़ भी हो चुकी है, रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुका है, और अम्मी ने बहुत अच्छा बनाए थे लगे डाला, अच्छे से हाथ दो अम्मी अच्छा बनाते। आप लोग को मैं हूँ यहाँ, और जोहा देख रही है अपने कपड़ा, पर जोहा का मैं कपड़ा नहीं बताऊँगी, जोहा ईद में पहनेंगी तभी देखना आप लोग को कपड़ा। और जोहा अभी ये फैब्रिक देख रही है लैस की दुकान पर, मैडम ले रही है लेस। अरे तुम गोरी क्यों दिख रहे थे? पर सही भाई ना, इसके लिए अल्लाह तौबा। लेस कुछ ही मिली है बट ये हम लोग को पसंद नहीं आई है। जोहा देख रही है अपने लिए चप्पल, और जोहा ने चप्पल ले चुकी है यहाँ से, अच्छी मिली जोहा को चप्पल। कैसे लग रहा है एकदम आपकी ईद की शॉपिंग हो गई है? तो बहुत अच्छा लग रहा है, साल भर का टेंशन नहीं। और जोहा को मैंने बताई कैसे क्या सिलाना, ठीक है? और आप लोग ईद में लुक देखना जोहा का, और समझ जाना मैंने उसको बोला कितना डर पड़ती है ना। तो अभी ये जा रही है नीचे ऑर्डर देने, नहीं ऊपर आ रही हूँ ऑर्डर लेने, मैं नहीं जाऊँगी करंट लग जाएगा। एक और डबल चीज़ पिज्जा देना। अभी हम बैठे हैं, थोड़ा ठंडा है, मज़ा आ रही है यहाँ पे बहुत, इसलिए मैं खड़वा था। थोड़ा स्वीट रखना भाई, ब्लू वाला ना? ब्लू वाला कौन सा? ग्रीन वाला लेना पिछले बार की। अच्छा हाँ, सॉरी क्या था टेंशन। अभी ये जो तुम्हें चप्पल दिखाएंगे, तुम अभी दिखा दूँ चप्पल दिखा दो, ड्रेस का तो रहता है ना सस्पेंस। अम्मी देखेंगे ना ब्लॉग, तो अम्मी को बताऊंगी, अम्मी देखो हम लोग ने बार्गेनिंग करके बहुत वो वाली दिखाओ, वो पैर की वो समझ में आएगी ना। अरे भाई अटक गया, देखो मम्मी मैंने बार्गेनिंग करा के इसको ये चप्पल दिलाई, और गाइस तुम लोग भी देखो प्राइस घर में जाके रिवील करना भाई, वो बंदे का धंधा चौपट हो जाएगा। हाँ। ना ये मेरी फेवरेट बन चुकी है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है ना, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। सिल्वर कलर के अलग ही लुक देते हैं। हमारा पिज्जा आ चुका है, कितना मस्त है। और हमारा ये अभी हो चुका है मोजिटो, कहीं भी जाओ पियो मोजिटो पियो। चलो, और अभी जोहा ना ये चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, और उसका ढक्कन गिरा देते हैं।